एक दुई तीन चारि कोहा एक कलास करकरी। Guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की जो धुकुर धुकुर वाली वीडियो है ना, ये कोई नई धुकुर धुकुर वाली वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि हमारी पुरानी एक हॉरर स्टोरी जिसका की टाइटल था द गर्ल एंड हर अनसॉल्व मिस्ट्री, उसका पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑब्वियसली आप लोगों ने देख ही लिया होगा अभी तक, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से उसको देखो, क्योंकि अगर उन दो पार्ट्स को आप लोग देखोगे नहीं ना तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। एंड उन दोनों पार्ट्स में आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि मतलब क्या ही बताएं। एंड आप लोगों को ना पार्ट 3 का भी बहुत ज्यादा वेट था, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट्स लिख करके उसे भर दिया था कि दीदी अगर मधु की कोई गलती नहीं थी तो फिर देवी माँ ने उसको सजा क्यों दी, और उसकी गलती थी क्या जिसके कारण वो प्रेत योनि में ही जी रही है। तो आज वही अनसॉल्व मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपकी दोनों दीदियां यहाँ पर आ गई है। तो अब वीडियो को ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रानी आज ना वीडियो बोलने से पहले ही मेरे गूज बम्स खड़े हो गए हैं। पहले के भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाने में हमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी आप लोगों को पता है ना, तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी आप लोग अपनी सीट की पेटी थोड़ी कस के बांध लो, और आज के इस वीडियो में ना उसकी अनसॉल्व मिस्ट्री ना सॉल्व होने वाली, और मधु ने कैसे कैसे एक एक इंसान से अपनी मौत का बदला लिया है ना, आज इस वीडियो में अच्छी तरह से सारी चीजें साफ हो जाएगी। और आपको क्या करना है उसके लिए, कान में ईयरफोन डाल के रूम की लाइट्स ऑफ कर देनी है, और धुकुर धुकुर वाली आंटी तो आएंगी। तो दीदी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या चाहते हैं ना कि प्रीवियस दोनों पार्ट्स की हल्की सी समरी आपको दे दे, ताकि आपका भी हल्का रिवीजन हो जाए। तो देखो लास्ट दोनों पार्ट में हमने क्या देखा था कि वर्षा जो कि मधु की अपनी छोटी बहन है, उसने हमें बताया कि किस तरह मधु की एक गलती के कारण उसके खुद के बॉयफ्रेंड ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर के बहुत ही दरिंदगी और घिनौने तरीके से मधु की जान ले ली उसी के स्कूल में। खैर मधु की जान लेने के बाद ना मधु के हत्यारों को उसके गुनाहगारों को न्याय तो नहीं मिला था, लेकिन अपनी मौत का बदला लेने के लिए मधु खुद लौट करके आती है और अपने गुनाहगारों से बदला भी लेती है। और उसके इस बदला लेने के प्रोसेस में ना साक्षात देवी माँ भी आती है, और यहाँ हमने आपको ये भी बताया था कि देवी माँ ना वर्षा के शरीर में आती है जो कि मधु की छोटी बहन थी। खैर लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मधु ने ना अपने बॉयफ्रेंड के 2 साथियों को मौत के घाट उतार दिया था, साथ ही साथ किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड की भी हालत पंचर करके रख दी थी। उसका बॉयफ्रेंड पुलिस में था, और रात में किस तरीके से हाईवे पर जब उसका बॉयफ्रेंड मोटरसाइकिल से ड्यूटी से घर लौट रहा था तो मधु उसको रास्ते में दिखती है, और डर के मारे उसी घाटी में उसके बॉयफ्रेंड की एक्सीडेंट हो जाती है एंड फिर उसको लकवा मार देता है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड ना चलने की हालत में था ना कुछ करने की हालत में था। तो देखो अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बॉयफ्रेंड की जब ऐसी हालत हो जाती है, दवा दारू बहुत कुछ होता है लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है ना, तब उसका बॉयफ्रेंड जिसका की नाम माधव था, उसकी माँ क्या करती है ना झाड़ फूक वालों के पास जाती है, और झाड़ फूक वालों के पास जाने के बाद ये पता चलता है कि माधव की जो ये हालत है, उसे जिस लकवे ने मारा है ना वो एक एनर्जी के कारण उसकी ये हालत हो चुकी है। तो उसकी माँ पूजा पाठ का सहारा लेती है और अपने बेटे माधव के नाम में ना माता रानी के ही मंदिर जाकर के एक बड़े से हवन का आयोजन भी करती है। हवन के बाद ना पंडित जी उसे माता रानी पर चढ़ाया हुआ पानी देते हैं, और पंडित जी बोलते हैं कि जाइए अपने घर और अपने बेटे माधव के शरीर पर ना ये पानी लगा दीजिएगा और उसे ये पानी पिला भी दीजिएगा। जैसा कि पंडित जी कहते हैं, उसकी माँ घर आती है और अपने बेटे माधव को माता रानी पर चढ़ाया हुआ पानी पिलाती है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं माधव तो खुद एक पापी था, तो किस तरीके से माता रानी पे चढ़ाया हुआ प्रसाद उसको हेल्प करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता ना। तो सेम उसके साथ यही हुआ, जैसे ही उसकी माँ ने ना उसे वो पानी पिलाया,
तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ना वो पानी माधव के शरीर पर रिएक्ट करने लगा, मतलब माधव के शरीर के अंदर से ना जलन होने लगी, उसके जो मांस थे ना, शरीर के ऊपर का स्किन था ना, वो जलने लगा। हम लोग बोलते हैं ना कोड फुटना, जिसको कि इंग्लिश में लेपर भी बोलते हैं, उसे वैसा होने लगा। और सब कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा था। माधव को तो लपवे ने मारा था ना, तो माधव कुछ भी हलचल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जलन के कारण ना बस वो एक हरकत कर रहा था, वो अपने बॉडी को फूंक मार रहा था कर करके। कुछ देर के बाद जब माधव की माँ माधव के कमरे में उसके लिए खाना लेकर के आती है, तो वो क्या देखती है ना कि उसका बेटा दर्द से छटपटा रहा है, साथ ही साथ उसके बेटे का जो पूरा शरीर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऊपर से तेजाब डाल दिए हो। उसके शरीर से ना हल्के हल्के धुएं निकल रहे थे और उसका बेटा अपने मुंह से फूंक मार रहा था। उसके बाद उसकी माँ को समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या। उसके बाद जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया जाता है, उसके बेटे को हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन आपको तो पता है ना कि गांव में उतने ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स होते नहीं है। हॉस्पिटल वाले ना हल्का फुल्का मरहम वगैरह लगा करके फिर से उसको घर ही भेज देते हैं। और दो दिन के अंदर अंदर इतने बुरे तरीके से माधव की मौत होती है ना, आप बात मानो, जलने के कारण ना उसकी बॉडी सड़ गई थी, मतलब माधव ना जीते जी सड़ रहा था, उसके बॉडी में ना पिल्लू पड़ गए थे। और जस्ट दो तीन दिन के बाद माधव की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर माधव की मौत तो हो गई थी, जैसे ही माधव की 13वीं आती है ना, उसके दो जो दोस्त बचे हुए थे ना, चलो उनका नाम अब हम लोग राजू और चेतन रख देते हैं, वो लोग भी 13वीं के दिन 10 से 12 साल बाद उस गांव में वापस आए थे, क्योंकि मधु के साथ उन्होंने जो कांड किया था ना, मधु की आत्मा से डर के मारे ना उन्होंने वो गांव छोड़ दिया था। पर अपने दोस्त के मरने के बाद फाइनली उन्होंने 10 से 12 साल बाद ना उस गांव में वापस कदम रखा था। यहाँ पर वो लोग 13वीं का प्रोग्राम अटेंड कर ही रहे थे, पर अचानक से जो राजू था ना वो अजीब बिहेव करने लगता है, ऐसे लगता है कि उसके बॉडी में ना मिर्गी सी आ गई हो। उसके बाद ना वो लंबी लंबी सांसें लेके ना अपना जो दूसरा दोस्त था चेतन, उसको चिल्ला चिल्ला के ये बोलने लगता है कि तुम इस गांव में वापस क्यों आए हो, तुमको हम मना किए थे ना, अभी भी मौका है, यहाँ से तुम लोग निकल जाओ, मधु तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमको भी मार दिए और साथ ही साथ हमारे दो दोस्त को भी मार दिए, अभी भी तुम लोगों के पास समय है, फौरन इस गांव से निकल जाओ। अब यहाँ पर 13वीं के दिन ना आधे से ज्यादा गांव वाले माधव के घर में जुटे हुए थे, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजू बर्ताव कैसे कर रहा है। पर यहाँ पर जैसे ही चेतन ने पूछा ना कि राजू तू क्या बोल रहा है, इसके बाद राजू के अंदर में ना एक्चुअली माधव की आत्मा आ चुकी थी और उसने सारी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने कह दी, कैसे कैसे उसने मधु की जान ली थी। और जैसी ये सारी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने आई ना, तो मधु के सारे परिवार वाले भी ना फौरन माधव के घर आ चुके थे और अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। अगले दिन तुरंत से सरपंच बैठाई जाती है, दोनों दोस्तों को भी बुलाया जाता है, पर यहाँ पर राजू को कुछ भी याद नहीं था कि पिछले दिन आखिर उसने क्या क्या बोल दिया है। लेकिन जैसे ही सरपंच में दोनों दोस्तों से पूछा जाता है ना कि सच सच बताओ कि तुमने मधु के साथ आखिर किया क्या, तो यहाँ पर दोनों साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमने मधु के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बस हमारा जो दोस्त माधव था ना उसने जो भी पैसे मधु से चुराए थे उसको छुपाने में हमने उसकी मदद की है, इसके अलावा मधु की जान लेने में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। और पता है आपको, दोनों दोस्त इतनी सफाई से पंचायत के सामने झूठ बोल रहे थे ना कि सारे गांव वालों को ये लग रहा था ना कि बेचारे दोनों बेकसूर है और दोनों ने कोई भी गलती नहीं की है। पर यहाँ पर वर्षा के जो पापा यानी मधु के जो चाचा जी थे ना, उनको ये सारी चीजें ना हजम नहीं हो रही थी। जैसे ही सरपंच की सभा खत्म होती है ना, वो अकेले जाके दोनों दोस्त से बात करते हैं और उन्हें ये कहते हैं ना, अगर तुम्हारी मधु की मौत में थोड़ा सा भी हाथ है ना तो मेरे को बता दो, इसके बदले अगर तुम्हें कुछ पैसे भी चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्लीज सच बोल दो। पर यहाँ पर दोनों ने फिर से झूठ बोला, दोनों ने कहा कि नहीं चाचा जी, हमने तो बस पैसे चुराने में ही माधव की हेल्प की थी। पर यहाँ पर चाचा जी भी शांत बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने क्या किया ना, दोनों को बोला कि एक काम करो, कल तुम ना स्कूल में आना तो हमको थोड़ा अकेले में तुमसे बात करनी है।
पर यहाँ पर जैसी चाचा जी ने ना स्कूल का नाम बोला ना, उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन दोनों के फेस से ना समझो कि पसीना छूट गया था। उन्होंने सीधे डर के बोला कि नहीं चाचा जी, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जो चाचा जी को शक था ना, वो पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। पर यहाँ पर चाचा जी ने दोनों को कन्विंस करके ये कहा कि टेंशन मत लो, अब बधू की आत्मा ना उस स्कूल में भटकती नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। और हम तो तुमको दिन में बुला रहे हैं ना, तो तुम दोनों एक बार कल मेरे से स्कूल में मिलना, मेरे को अकेले में तुम दोनों से थोड़ी सी बातचीत करनी है। अगला दिन होता है और चाचा जी स्कूल के उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर मधु की हत्या की गई थी। और साथ ही साथ ना कुछ ही देर बाद वो दोनों दोस्त भी उसी कमरे में पहुंच जाते हैं। पर यहां पर ना चाचा जी ने कुछ अलग ही प्लानिंग की हुई थी। बगल वाला जो कमरा था ना, उसमें चाचा जी के कुछ जान पहचान वाले भी मौजूद थे, वो भी छिप के, ताकि चाचा जी जो भी उन दोस्तों से बात कर रहे ना, वो सारी चीजों को उनके दोस्त लोग रिकॉर्ड कर ले। अब यहाँ पर सबसे पहले चाचा जी उन दोनों दोस्तों से ना फिर से सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं। पर यहाँ पर फिर से उन दोनों दोस्तों ने ना कुछ भी सच्चाई नहीं उगली। अब यहाँ पर चाचा जी ना एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मानो ऐसा वो प्रिटेंड करते हैं ना कि उसके अंदर मधु की आत्मा आ गई है। अब वो ना आंख बड़ी बड़ी करके और अपनी जोर से आवाज में दोनों को ये बोलते हैं कि तुमने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, और तुम लोग कल झूठ क्यों बोल रहे थे पंचायत के सामने। तुम लोग अगर सच नहीं बोलोगे ना, तो जैसे तुम्हारी दोस्त की मौत हुई है ना, तुम दोनों की भी मौत हो जाएगी। अब यहाँ पर दोनों दोस्त फिर से डर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि चाचा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तब यहाँ पर चाचा जी एक्टिंग करके बोलते हैं कि हम चाचा जी नहीं है, हम मधु बोल रहे हैं, और अगर तुम लोग सच्चाई नहीं बोलोगे ना, तो तुम लोग को हम मौत के घाट उतार देंगे। पर यहाँ पर दोनों दोस्त ना डर के मारे मधु को ये बोलते हैं, हम लोगों ने तो बस तुम्हारा हाथ ही पकड़ा था, और बाकी जो भी कांड है वो तो माधव ने किया था, हम लोगों को तुम क्यों परेशान कर रही हो, प्लीज हम लोग का जान तुम बख्श दो। पर यहाँ पर जैसी सारी सच्चाई चाचा जी अपने कान से सुनते है ना, उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना कि पूछो मत। पर यहाँ पर वो खून का घूंट पी के ना चुप हो जाते हैं और गुस्से से दोनों को क्या कहते हैं कि हम मधु नहीं थे, हम चाचा ही थे, पर तुम लोग यहाँ पर सच्चाई उगल नहीं रहते, इसलिए मेरे को ना रिवर्स साइकोलॉजी खेलना पड़ा। खैर मेरे को बहुत ज्यादा तुम लोगों से गुस्सा आ रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि तुम लोगों का जान ले ले। खैर पर यहाँ पर मेरी बेटी तुम लोगों के जान लेने से वापस तो आएगी नहीं, बस तुम लोगों से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि मधु के पापा के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। अगली शाम होते ही राजू सोचता है कि चलो एक बार मधु के पापा से माफी मांग ली जाए, और वैसे भी अगर हम माफी मांग लेंगे ना, तो शायद मधु की जो आत्मा है ना मेरा पीछा छोड़ देगी, वो अपने घर से निकल जाता है। पर आप लोगों को हमने बताया था ना कि मधु के घर से पहले क्या पड़ता है, वही स्कूल जिसमें मधु की हत्या की गई थी, और उसमें मधु की आत्मा अभी भी मौजूद है। जैसे ही राजू वो स्कूल क्रॉस कर रहा होता है ना, उसे उस स्कूल से आवाज आती है चेतन की। ऐसा लगता है कि जैसे उसने राजू को चिल्ला के आवाज दी हुई हो। पर यहाँ पर जैसे ही राजू चेतन की आवाज स्कूल से सुनता है ना, वो चौंक जाता है। उसे दो मिनट के लिए क्या लगता है ना कि कहीं वो स्कूल में मुसीबत में तो नहीं है, और वो तुरंत फौरन स्कूल की ओर बढ़ता है। पर वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या होता है दीदी? जैसे ही राजू स्कूल में पहुंचता है ना, वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना, जो कि राजू को तो छोड़ ही दो, कभी किसी गांव वाले ने भी ना अपने बुरे से बुरे सपने में नहीं सोचा होगा। रात में जो होता है वो तो हम लोग आपको आगे बताते हैं। अभी देखो सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जैसा कि स्कूल की सफाई करने के लिए कुछ लोग वहां जाते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं ना कि राजू की डेड बॉडी उसी कमरे में पड़ी हुई है जिस कमरे में मधु की हत्या की गई थी। एंड जो डेड बॉडी थी ना, उसकी हालत सुनो कैसी थी। ऐसा लग रहा था ना कि किसी बड़े से भालू ने अपने बड़े बड़े नाखून से उसके चेहरे और उसके पेट और छाती पर वार किया है। वर्षा ने स्टोरी बताने टाइम हमें ये बताया कि दीदी हमारा गांव ना उतना भी बैकवर्ड नहीं है, और वहां पर उतने भी ज्यादा जंगल नहीं है, और हिस्ट्री में
में कभी ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं रहा है ना कि हमारे गांव में कभी भालू पाए जाते थे, पर पता नहीं उस रात भालू कहां से आया, वो स्कूल के अंदर कैसे घुसा और उसने राजू की हत्या कैसे की। यहाँ पर गांव वाले ना शॉक्ड हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मधु के घर वालों को, साथ ही साथ चेतन को ये अंदाजा हो गया था कि ये हरकत किसी भालू की नहीं है बल्कि मधु की है। जिस रात यहाँ राजू की हत्या होती है ना, उसी रात चेतन को सपना आता है मधु का, जिसमें मधु उसको भी चेतावनी देती है कि सारे दोस्त तो चले गए, अगला नंबर तेरा है। और रात में डर के मारे चेतन अपने घर से दौड़ता हुआ मधु के घर पे पहुंचता है और अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। साथ ही साथ वो सबसे ये विनती करता है ना कि मुझे पुलिस में डाल दो, मुझे ऐसी मौत नहीं मरनी है, और वो खुद को पुलिस के सामने जाके सरेंडर भी कर देता है। और अभी तो फिलहाल चेतन पुलिस में है। खैर, यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मधु की हत्या में शामिल हुए उन पांचों दोषियों को सजा मिल गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अभी यहाँ पर वर्षा के साथ कुछ ऐसा होता है ना जो कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ये बात ना जस्ट एक से डेढ़ महीने पहले की है। वर्षा ना अपने मायके गई हुई थी अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा देने के लिए। खैर, लास्ट वीडियोज में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से मधु की आत्मा ना अपनी बहन वर्षा को भी काफी परेशान करती थी, और इतनी ज्यादा परेशान करती थी ना कि तंग आकर के वर्षा के पापा ने उसकी जल्दी शादी कर दी थी। शादी के बाद बिना वर्षा बहुत ही कम अपने मायके जाया करती थी, पर एग्जाम था तो मायके जाना जरूरी था। और जिस टाइम पे उसका एग्जाम पड़ा था ना, उसी टाइम पर ना गांव में माता रानी की बहुत भव्य पूजा होने वाली थी, और वो पूजा इतनी भव्य थी ना कि उसमें बलि भी चढ़ाई जाती थी। और जैसा कि हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि जब जब माता रानी की पूजा होती थी और बलि चढ़ाई जाती थी ना, वर्षा के शरीर पे माता रानी आती थी। और इस चीज को लेकर के ना वर्षा के पापा काफी ज्यादा चिंता में भी थे। तो वर्षा के पापा क्या डिसाइड करते हैं ना कि जिस शाम माता रानी की पूजा होनी थी ना, उस शाम वो वर्षा को गांव से बाहर निकाल देंगे और वो जगन्नाथ मंदिर में वर्षा को अपने साथ ले जाने वाले थे, ताकि उसी मंदिर में शाम का भजन कीर्तन वो लोग परिवार के साथ एंजॉय करें। और जैसा कि डिसाइडेड था, शाम के 6 बजे ना सारा परिवार निकलने वाला था जगन्नाथ मंदिर के लिए। वर्षा का जो घर था ना, उसके सामने गाड़ी आने का जगह नहीं था, तो घर से तकरीबन 5 मिनट दूर चलने के बाद ना गाड़ी खड़ी थी। और वर्षा ना घर से निकल भी जाती है, शाम में अभी अकेले वो निकल रही थी, लेकिन घर से कुछ देर निकलने के बाद ही ना वर्षा को तुरंत से वॉशरूम आ जाता है। वर्षा यहाँ पर बताती है कि दीदी मेरी ना उस दिन मत्ती मारी गई थी, मैं ना बाथरूम करने के लिए घर जाने के बजाय स्कूल के पीछे का जो वॉशरूम था ना वहां पर चली जाती हूँ। और जैसे ही वर्षा बाथरूम करके उठती है ना, बेसिकली वो खुला मैदान था, वो क्या देखती है कि एक सुंदर सी छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल होगी ना, बहुत ही सुंदर थी वो, काला टीका लगाई हुई थी, 2 चोटी की हुई थी और फ्रॉक पहनी हुई थी। वो आकर के बोलती है, वर्षा मौसी कैसी हो? जैसे ही वर्षा सुनती है ना कि वो उसको मौसी पुकार रही है, वो डर जाती है। फिर वर्षा को 2 मिनट के लिए क्या लगता है ना कि शायद वो अपने मायके बहुत कम आती जाती है, तो किसी दोस्त की बेटी होगी। तो वो पूछती है कि बेटा आप किसकी बेटी हो? तो वो क्या बोलती है कि मेरी मम्मी का नाम मधु है, आप नहीं पहचानी मुझे? ये सुनकर के ना वर्षा डर जाती है 1 मिनट के लिए। फिर भी वर्षा ना अपने मन को तसल्ली देती है कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी मधुदी की बेटी नहीं हो सकती है। हालांकि मधुदी की मौत उस हालत में हुई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, पर उनकी बेटी कैसे हो सकती है? फिर भी अपने आप को तसल्ली देने के लिए वर्षा ने उस बच्ची से पूछा कि कौन मधु? शायद वर्षा को यहाँ पर लगा ना कि गांव की किसी और मधु की बात हो रही है। तब तक पीछे से आवाज आता है वर्षा के पापा का, और वर्षा के पापा उधर से वर्षा को आवाज देते हैं कि वर्षा स्कूल के पीछे क्या कर रही है, चल जल्दी बाहर निकल। और तब तक वर्षा क्या देखती है कि वो बच्ची वहां से गायब हो गई। वर्षा अपने पापा के पास जाती है और उसके पापा ना बहुत जोर से वर्षा को डांट लगाते हैं और उसको खींच करके घर के अंदर ले जाते हैं, और साथ ही साथ ना अपनी बीवी को, मतलब कि वर्षा की माँ को भी बहुत जोर जोर से डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि जब मैंने कहा था कि वर्षा को आज शाम अपने साथ रखना, तो ये स्कूल के पीछे अकेले क्या कर रही थी? उसके बाद जब वर्षा ने अपने पापा से पूछा कि पापा ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं,
तब यहाँ पर वर्षा के पापा ने उसे जो बताया ना, ओह माय गॉड, सुनने के बाद ना कलेजा धुकुर धुकुर हो जाएगा। वर्षा के पापा ने बताया कि पता है वर्षा, कुछ दिन से ना गांव में हम लोगों को, हमारे परिवार वालों को ना, मधु के अलावा एक छोटी सी बच्ची दिखती है जो कि अपने आप को मधु की बेटी बनाती है और हम लोगों को नाना और नानी कह के पुकारती है। फिर वर्षा ने भी बताया कि हाँ पापा, मुझे भी वो बच्ची दिखी थी और मुझे मौसी मौसी बोल रही थी। अभी तो बातें हो ही रही थी तब तक ना वर्षा को बहुत ज्यादा वोमिट जैसा फील आता है। घर में वॉशरूम होते हुए भी ना वर्षा ने बताया कि पता नहीं दीदी कौन सी ऐसी एनर्जी थी ना जिसने मुझे बाहर की ओर खींचा, और वर्षा दौड़ करके अपने घर के बाहर उसी स्कूल के पास जाती है और वहां पर वोमिट करती है। वोमिट करते ही ना वर्षा को अचानक से उसके बॉडी में करंट जैसा फील आता है और उसके बाद वर्षा बेहोश हो जाती है और फिर उसे कुछ भी याद नहीं होता है। जैसे ही वर्षा को होश आता है ना तो वो अपने आप को बेड में पाती है और उसका जो पूरा बदन था ना, उसका हर एक जॉइंट दुख रहा था। उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि उसके शरीर में कुछ देर पहले माताजी आई थी। जैसे ही वर्षा को होश आता है ना, उसके पापा उसके पास आके सारी बातें बताते हैं और वर्षा को ये कहते हैं ना कि बेटा अभी ना माताजी आई थी। और पता है माताजी ने क्या कहा? माताजी ने कहा कि जैसा हम वादा किए थे कि मधु के जितने भी गुनाहगार है ना सबको सजा देंगे, हम एक एक करके सजा दे दिए। और यहाँ पर तुम लोगों को एक बात बता देते हैं, जो भी वो छोटी सी बच्ची अपने आप को मधु की बेटी बता रही है ना, उसके बातों में मत आना, वो मधु की बच्ची नहीं है, वो दूसरे गांव की बच्ची है जिसकी कम उम्र में मौत हो गई थी और उसकी आत्मा भटकते भटकते ना इस गांव में आ गई है और मधु ना उसको अपनी बेटी जैसा रखती है और वो छोटी सी बच्ची भी ना मधु को अपनी माँ मानती है और दोनों उसी स्कूल में ना एक साथ रह रहे हैं। अब ये चीज सुन के ना वर्षा बहुत ज्यादा डर जाती है, पर यहाँ पर ना माता रानी जाते जाते ना एक चीज बता के गई थी कि दोनों की आत्मा के लिए ना तुम लोग एक हवन करवा देना, उस छोटी सी बच्ची की आत्मा को भी शांति मिल जाएगा। पर अभी मधु को, जैसा कि माता रानी ने पहले भी बोला था कि प्रेत योनि में कुछ समय बिताना है तो उसे तो वो भोगना ही पड़ेगा, पर यहाँ पर माता रानी का जो आदेश था उसका कहा मानते हुए वर्षा के पापा हवन करवा देते हैं। वो बच्ची तो उसके बाद किसी को गांव में दिखाई नहीं दे रही थी, पर अभी कहीं ना मधु का एहसास उस स्कूल में स्टिल है। और वी थिंक कि जब तक मधु की आत्मा प्रेत योनि में रहेगी ना, वो अपने घर वालों को अपना प्रेजेंस फील करवाती रहेगी। तो दोस्तों यही थी वो कहानी, आप बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो रानी इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास ऐसी ही हॉरिफाइंग स्टोरीज होगी, वो भी रियल लाइफ, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।